ये मेन स्क्रीन है हैंडहेल्ड मशीन का। इसमें आपको मैटर कैसे बनाना है वो बताता हूँ मैं आपको। एडिट में जाइए, मैटर बनाने के लिए आप एडिट में जाइए, एडिट सिंगल फाइल में फाइल सिलेक्ट करना है। अब इसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट्स मिलते हैं, आपको टेक्स्ट बनाना है, टाइम रिलेटेड कुछ डालना है, या कुछ काउंटर डालना है, इमेज है, बार कोड, QR कोड, जो भी तरह का आपको मैटर शेप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग 3 लाइन का मैटर बनाएंगे जिसमें टेक्स्ट होगा। तो फर्स्ट हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट आ जाएगा, आप इस पर सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या फॉन्ट चाहिए, जैसे इसमें आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं, या फॉन्ट चेंज हो गया। आप देखिए कैलिब्री जाएंगे तो ये अलग पॉइंट आ गया, डॉट मैट्रिक्स में जाना तो आप अलग अलग डॉट मैट्रिक्स आप डालेंगे तो ये डॉट मैट्रिक्स आ गया। एक सेकेंड, मुस्कान। तो अलग अलग आप फॉन्ट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद अगर आप ये फॉन्ट या मैटर का आपको साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पे साइज़ आता है, आप जैसे जैसे इसको डिक्रीज़ करेंगे साइज़ आप देखिए छोटा हो रहा है। तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन का भी मैटर बना दिया वो फर्स्ट लाइन का मैटर हमने छोटा कर दिया। अभी सेकंड लाइन हमको चाहिए, फिर से हम टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे, साइज़ छोटा कर देंगे इसे। अभी अगर मुझे मैटर एडिट करना है, यहाँ पे कुछ मैटर डालना है, तो 2 लाइन में से या जो भी स्पेसिफिक लाइन आपको एडिट करनी है वो लाइन को सिलेक्ट कीजिए, रेड हो गया। रेड होने के बाद यहाँ पे एडिट बटन है, एडिट को दबाइए तो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड आने के बाद आप यहाँ पे देखिए इनपुट टेक्स्ट जो मैटर यहाँ पे दिख रहा है वो यहीं पे है, तो हमें इसे पहले क्लीन पूरा क्लीन करना है। यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया, फिर आप जैसे डाल दीजिए इसमें जो भी मैटर आपको चाहिए। जैसे MRP हम डाल देते हैं 500 रुपीज़ डाल देते हैं, तो 500-/, और ये फिनिश कर देंगे तो ये मैटर यहाँ पे आ गया। फर्स्ट लाइन का मैटर समझिए बैच नंबर डालना है, एडिट करेंगे बैच नंबर, यहाँ पे क्लियर करेंगे, आज का डेट डाल देंगे जैसे /04/21, फिनिश कर देंगे, ये डेट आ गया आपका। इसी तरीके से आपको तीसरा लाइन भी बनाना आप डाल सकते हैं। अगर आपको बार कोड डालना है तो बार कोड ये डाल दीजिए, यहाँ पे बार कोड आ गया। तो बार कोड का जो भी मैटर आपको चेंज करना है तो इसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एडिट कीजिए, पूरा क्लीन कीजिए, और जो भी आपको डालना है मैटर, आपको जो भी मैटर डालना है अब उसको रैंडमली जो भी सिलेक्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिक बार कोड आपका सिलेक्ट हो गया, चेंज हो गया। इसी तरीके से काउंटर वगैरह आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई। अभी आपको इसमें ये मैटर आपका हो गया। अभी आपको इस फाइल ये बनाने के बाद ये एक ध्यान रखिए कि आपका मैटर हमेशा ये बॉर्डर के पास में रहे, ज़्यादा दूर नहीं हो, ये ऐसे दूर नहीं होना चाहिए, ये बॉर्डर के पास होना चाहिए, यानी ये एक्स जो है वो हमेशा 0 होना चाहिए, एक्स हमेशा हमेशा 0 होना चाहिए ताकि वो और प्लस माइनस नहीं हो। ये हो गया। अभी जो समझिए जो भी मैटर आपको बनाना है, बनाने के बाद फाइल में जाइए, नया मैटर है तो आप सेव एस कीजिए, और उसको जो भी आपको फाइल नेम देना है वो आप दे सकते हैं, उसे सेव कर दीजिए। अब ये फाइल में जाके सेव हो गया है, तो एग्जिट कीजिए, मेन स्क्रीन पे आ गए, तो आप देखिए मैटर चेंज नहीं हुआ है। मैटर चेंज करने के लिए आपको मैसेज में जाना होगा, और वो मैटर यहाँ पे देखिए अब आ गया, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये मैटर अब आ गया। अभी हमें अगर इसे प्रिंट करना है तो हम किस तरह से प्रिंट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पॉज करो। अभी आपको कार्ट्रिज ये इस तरह से डालना है, और कार्ट्रिज हमेशा डालना है या निकालना है तभी मशीन स्विच ऑफ होना चाहिए, तो ये हम इसमें कार्ट्रिज डाल देंगे। अभी हमने कार्ट्रिज डाल दिया है और ऑन हो गया है मशीन। अब ये हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अभी हम प्रिंट करके देखेंगे। अब प्रिंट करते समय आपको आपका जो भी जैसे मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ, जैसे मशीन जब रखूँगा तो ये रोलर्स ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट लेने के बाद मैं इसको ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर आपको दबाना है, ये प्रिंट हो गया है। तो प्रिंट काफ़ी क्लोज हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो ये प्रिंट काफ़ी क्लोज में आया है, चालू करो। हाँ, अभी हम सेटिंग में जाएंगे, प्रिंट सेटिंग में जाके ये प्रिंट विड्थ जो है हम इसे बढ़ा देंगे।
प्रिंट ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे, अब एक बार और ट्राई करेंगे। अब देखिए प्रिंट काफ़ी बड़ा है। प्रिंट काफ़ी डार्क आ रहा है तो हम इसे लाइट करेंगे, वन पे रखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे एक बार। अभी प्रिंट प्रॉपर आ रहा है, लाइट भी आ रहा है और प्रॉपर आ रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं आ रहा। जैसे ये प्रिंट काफ़ी डार्क आ रहा था, ये प्रॉपर आ रहा है, डार्क नहीं आ रहा ज़्यादा। तो ये आपका प्रॉपर बारकोड भी आ गया है, ये MRP भी प्रिंट हो गया। अब जैसे ये हमारा स्टार्टिंग पोजिशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एवरी टाइम ये इसी पोजिशन पर प्रिंट आएगा। तो अगर आपको पोजीशन चेंज करना है, अगर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया और आपको पोजीशन दूर चाहिए कि यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, तो ये भी आप डिले बढ़ा के कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड आप सेटिंग्स में जाइए, प्रिंट सेटिंग में जाइए। अब ये जो इंटरवल दिया है, यहाँ पे इंटरवल दिया है, इस इंटरवल को आप बढ़ाइए। इंटरवल यानी ये होता है कि जब आप ट्रिगर दबाएंगे तो ट्रिगर दबाने के कितने सेकेंड बाद ये प्रिंट रिलीज़ होना चाहिए। तो आप इंटरवल अगर बढ़ाते हैं, जैसे मैं इंटरवल 1 था, इसको 15 कर देता हूँ और अब प्रिंट करता हूँ। अब अभी देखिए कि मेरा पोजीशन अभी भी प्रिंटिंग स्टार्ट पोजीशन यही रहेगा, यहाँ पे मैं ट्रिगर दबाऊंगा लेकिन प्रिंट काफ़ी दूर आएगा। अब ये देखिए प्रिंट यहाँ आया, ये प्रिंट यहाँ आए थे। अब वापस एक बार ट्राई करता हूँ। अभी आप देखिए प्रिंट पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले यहाँ था, अब मैंने जो इंटरवल बढ़ाया है तो प्रिंट यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये बेसिक सेटिंग्स रहेगी।